पॉलिटिकल वॉरफेयर, पॉलिटिकल वॉरफेयर या राजनीतिक युद्ध, ये भी एक तरीका है जिसके माध्यम से राज्य अपने हित को सिद्ध करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। राजनीतिक युद्ध जैसा नाम से स्पष्ट है कि इसमें सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। युद्ध जैसा डायरेक्ट वॉर जो हम देखते हैं वो इसमें नहीं लड़ा जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे कार्य किए जाते हैं कि विपक्षी हमारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। इसमें मनोवैज्ञानिक साधनों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है और सीक्रेटली इस वॉर को लड़ा जाता है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमारे सामने पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ किया जा रहा गुरिल्ला वॉर कह सकते हैं, या छिपा हुआ युद्ध कह सकते हैं, कूटनीतिक युद्ध कह सकते हैं, जिसमें वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार भी कर रहा है। भारत में विभिन्न भागों में वो फूट पैदा करने की भी कोशिश कर रहा है, कश्मीर हो, पंजाब हो या अन्य भागों में उसके द्वारा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं या जो सेपरेटिस्ट तत्व हैं उनको बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के भी जो इंसर्जेंट्स हैं उनको भी पाकिस्तान विशेष रूप से सहायता देता आया है, प्रमोट करता आया है, ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बताती है। तो ये कैसा वॉर है जो मनुष्यों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है और लोगों के मनों में इसको लड़ा जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं वॉर ऑफ नर्व्स। ये स्नायु युद्ध को भी का भी नाम इसको दिया जाता है। और कई बार क्या होता है कि कूटनीतिक संबंध राज्य आपस में बनाए रखते हैं, लेकिन सीक्रेटली वो एक दूसरे के खिलाफ भी काम करते रहते हैं। सामने वाले अपने जो देश है जिसको वे शत्रु मानते हैं उसके मुकाबले अगर कमज़ोर हैं तो प्रायः इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट वॉर तो कर नहीं सकते। और यही हाल पाकिस्तान का है। 71 के वॉर के बाद उसको मालूम है कि वो डायरेक्ट वॉर भारत के साथ नहीं लड़ सकता, वो जीत नहीं सकता, इसलिए उसके द्वारा कूटनीतिक युद्ध या मनोवैज्ञानिक तरीकों का या टेररिज्म का प्रयोग किया गया, या 1999 में जिस तरीके से उसने छिपे तरीके से कारगिल का युद्ध किया। सैनिक तो उसके ही थे लेकिन उसने माना नहीं, उसने कहा कि ये उसके सैनिक नहीं है, ये मर्सेनरीज हैं। जबकि जो मृत लोग पाए गए, मृत लोग मिले, उनके पास से पाकिस्तानी सेना का आइडेंटिटी कार्ड मिला। तो ये भी एक तरीका है, राष्ट्र अपने हित की अभिवृद्धि के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और पॉलिटिकल वॉरफेयर के जो डिवाइसेस हैं उसमें कि शत्रु राज्य में भ्रांति पैदा करना, डिवीजन क्रिएट करना, भेद पैदा करना, दूसरे राज्यों को निर्बल करने के लिए आर्थिक साधनों का प्रयोग करना, जैसे 71 के वॉर के समय भारत और पाकिस्तान में जो वॉर हो रहा था उस समय अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक सहायता बंद कर दी। यहाँ तक कि जो जहाज गेहूँ लेकर भारत के लिए आ रहा था उसको रोक दिया गया। ये सब दबाव बनाने के लिए किया गया था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसको बंद कर दे। और उसके बाद ही भारत ने एक और सोवियत संघ के साथ दोस्ती की, क्योंकि उस समय सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा हुआ, यूएन में उसने हमारी सहायता की, जो बार बार हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल लाया जा रहा था उसके खिलाफ वीटो का प्रयोग किया। तो भारत ने एक और ये कार्य किया। तो दूसरी ओर उसने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया और वो ये था कि भारत ने अन्न के क्षेत्र में सेल्फ डिपेंडेंट होने की नीति को भी अपनाया। हमने ग्रीन रेवल्यूशन को आरंभ किया, हरित क्रांति, कि हमें अन्न के लिए दूसरे देश पर निर्भर न होना पड़े। तो ये एक उदाहरण फिर हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल वॉरफेयर का, दूसरे देश को कमज़ोर करने के लिए। इसके अलावा दूसरे देश में जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें भड़काने की नीति, जैसे पाकिस्तान के द्वारा भारत में रहने वाले, और भारत भी इस नीति को अपनाता रहा है, और उसने और जो वहाँ के जो बलोच लोग हैं जो पाकिस्तान की सरकार का विरोध करते हैं उनको समर्थन देने की नीति अपनाई है, या नेपाल में उसने मधेशिया
के जो लोग हैं मधेशियंस हैं उनको, जो भारतीय मूल के हैं उनको सपोर्ट देने की नीति को अपनाया है। तो सभी देश इस कार्य को करते हैं। दूसरे देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को थोड़ा उत्तेजित करना, भड़काना, जिससे उनको विद्रोह के लिए प्रेरित करना। फिर दूसरे राज्य के राजनीतिक अपराधियों को संरक्षण देना, ये भी एक तरीका है जिससे पॉलिटिकल वॉरफेयर किया जा सकता है। दूसरे देशों में जासूसी गतिविधि करना, जैसे आपने अमेरिका के CIA का और रूस का KGB इसके लिए प्रसिद्ध हैं कि कैसे वो गुप्तचरी करते रहते हैं, और भारत के द्वारा भी रॉ जो संस्था है भारत की, उसका प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाता है। फिर दूसरे राज्य में राजनीतिक हत्याएं कराना, पॉलिटिकल मर्डर, ये भी एक तरीका है जिसके ज़रिए से राज्य पॉलिटिकल वॉरफेयर को अंजाम देते हैं। तो पॉलिटिकल वॉरफेयर बहुत पुराना तरीका है। आपने ट्रॉयन हॉर्स का नाम सुना होगा कि कैसे ट्रॉय नगर को जीतने के लिए यूनान ने राजनीतिक, यानी ग्रीस ने राजनीतिक युद्ध का सहारा लिया था। ग्रीक लोगों ने एक चाल सोची, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने देवता को प्रसन्न करने के नाम पर लकड़ी का एक बड़ा सा घोड़ा बनाया और उस घोड़े के पेट में उसके सैनिक छुप गए, और जब अपनी विजय की खुशियां मनाते हुए ट्राई के जो लोग थे वो शहर में खुशियां मना रहे थे और बिजी थे, उस समय ये जो घोड़ा था वो ट्रॉय शहर में, नगर में घुस गया और रात में चुपचाप यूनानी जो ग्रीक जो सोल्जर्स थे वो घोड़े के पेट से निकले और उन्होंने जो नगर का जो गेट था उसको खोल दिया और जो सैनिक थे वो यूनान के वो अंदर आ गए। लंबे समय तक युद्ध चला और अंत में यूनानियों की विजय हुई। तो ट्रॉय जैसे छोटे शहर को कैसे पराजित किया जाए, इसके लिए ग्रीस ने इस तरीके को अपनाया और इस तरीके से उसने अपनी विजय को सुनिश्चित किया, अपने राष्ट्रहित को सुनिश्चित किया। तो ऐसे कई उदाहरण आपको मिलते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग कोल्ड वॉर तो हम ऐसा उदाहरण निरंतर देखते रहे हैं जिसका अभी हम लोगों ने चर्चा भी की। इसके अलावा राष्ट्रहित की अभिवृद्धि के कुछ अन्य साधन भी हैं जिनकी हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, जिसमें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद भी हैं, इम्पीरियलिज्म यानी अपनी ताकत को बढ़ाने की नीति, दूसरे राज्यों पर नियंत्रण करने की नीति, उन पर राजनीतिक रूप से शासन करना, ये भी राज्यों के द्वारा कार्य किया जाता है। आपने देखा कि कैसे ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य को पूरे विश्व में फैलाया और इस तरीके से उसने अपने राष्ट्रहित की अभिवृद्धि की, यहाँ तक कि अमेरिका भी एक समय पर उसकी कॉलोनी हुआ करता था। साम्राज्यवाद का जो के पीछे जो कारण है वो आर्थिक भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ इसके पीछे कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं जो मानवीय होते हैं। मानवीय कारण मैं इसलिए कह रही हूँ कि ब्रिटेन ने एशिया और अफ्रीका के देशों पर जो शासन किया उसमें उसने वाइट मैंस बर्डन की थ्योरी को प्रतिपादित किया। उसका मानना था कि ये गोरे लोगों का बोझ है कि वो काले लोगों को जो असभ्य हैं उन्हें सभ्य बनाने का कार्य करें, ईश्वर ने उन्हें ये भार सौंपा है, ये उन्होंने कहा ये तो हमारा बोझ है, हम तो वाइट मैंस बर्डन थ्योरी जो थी उससे उन्होंने अपनी जो साम्राज्यवादी आकांक्षा थी उसको एक एथिकल रूप देने की कोशिश की, उसको जायज़ ठहराने की कोशिश की, उसको एक होली कॉज बना दिया। तो मानवीय कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण तो वास्तविक कारण तो आर्थिक ही है कि इन देशों को कॉलोनी बनाकर यहाँ से कच्चा माल निकालना और बना हुआ सामान इन देशों में बेचना, ये एक मुख्य उद्देश्य था और ब्रिटेन ने यही किया। भारत में जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको यहाँ से ले जाकर, जैसे जो कपास था उसको यहाँ से ले जाकर उस पर ब्रिटेन में मशीनों से कपड़ा बनाना, क्योंकि अब तक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, मशीनें आ गई थी और ब्रिटेन में अपने यहाँ इतनी खपत थी नहीं उन कपड़ों की,
तो उसने अपनी कॉलोनीज में उन कपड़ों को बेचना शुरू किया और कच्चा माल यहाँ से ले जाया जाने लगा, जिसकी वजह से भारत के जो अपने इंडस्ट्रीज थी वो डूबने लगी। एक समाना था जब ढाका का मलमल फेमस हुआ करता था, एक छोटी सी अंगूठी के बीच में से ढाका का मलमल निकल जाता था, इतना मुलायम कपड़ा हुआ करता था। लेकिन ये सारी जो इंडस्ट्री थी वो नष्ट हो गई। क्यों? क्यों? क्योंकि जो कच्चा माल था वो बाहर जाने लगा। इसी तरीके से जूट की जो इंडस्ट्री थी वो नष्ट हो गई। इसके अलावा नील की खेती कराकर हमारे जो ज़मीन थी उसको बर्बाद कर दिया गया। तो साम्राज्यवाद का बेसिक जो रीज़न था वो आर्थिक कारण था। राष्ट्र अपनी आर्थिक उन्नति के लिए उन देशों का प्रयोग करते थे जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज इन अबंडेंस है, लेकिन वो उसको प्रयोग नहीं करते, यानी वो नेचुरल रिसोर्स उस देश के लिए राष्ट्रीय शक्ति के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। तो ये साम्राज्यवाद का कारण था मानवीय कारण के अतिरिक्त। इसके अलावा कई बार राष्ट्र अपनी प्रतिष्ठा और गौरव को बढ़ाने के लिए भी साम्राज्यवाद का प्रयोग करते हैं, जैसा कि जर्मनी ने किया। जर्मनी को 19वीं शताब्दी का अंत होते होते ये समझ में आया कि वो तो साम्राज्यवाद की दौड़ में बहुत पीछे रह गया अपने आपसी डिफरेंसेस के कारण, और तब उसने साम्राज्यवाद की ओर कदम बढ़ाए अपने गौरव को बढ़ाने के लिए, अपने राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। तो ये साम्राज्यवाद के कारण है, उपनिवेशवाद के कारण है, और इनका भी प्रयोग किया गया है राज्यों के द्वारा। और साम्राज्यवाद के कुछ हम तरीके भी देखते हैं। एक तो हो गया कि डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश कर लेना, पॉलिटिकली किसी देश को सब्जुगेट कर देना, परतंत्र बना लेना, जैसा कि भारत के साथ किया गया या बर्मा के साथ किया गया, या तो इस तरीके से सीधे नियंत्रण कर लेना, ये तो एक तरीका है ही। इसके अतिरिक्त मैंडेट सिस्टम एंड ट्रस्टीशिप सिस्टम को डेवलप किया गया, वो भी साम्राज्यवाद का एक नमूना था। मैंडेट सिस्टम के तहत लीग ऑफ नेशंस के माध्यम से और ट्रस्टीशिप सिस्टम के तहत यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से जो कमज़ोर राज्य थे उन पर बड़े राज्यों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। हाँ, इसमें केवल ये किया गया कि माना गया कि इनको लीग ऑफ नेशन ने या ने मैंडेट दिया है या यूएन ने इनको ट्रस्टी बनाया है इन छोटे देशों की देखभाल के लिए, और इन्हें हर वर्ष अपनी एक रिपोर्ट भी देनी पड़ती थी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी रिपोर्ट खुद बनाएंगे तो हम किस प्रकार की रिपोर्ट बनाएंगे। एक ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें हम अपनी तारीफ करेंगे, जिसमें हम अपने आप को 100 में से 100 देंगे। तो ये रिपोर्ट ये बनाकर यूएन में या लीग ऑफ नेशन में प्रस्तुत कर देते थे, और इस तरीके से बड़े देशों ने इन छोटे देशों के ऊपर, जो अफ्रीका और एशिया के छोटे देश थे, उनको मैंडेटरी सिस्टम या ट्रस्टीशिप सिस्टम के तहत उनको नियंत्रित करने का, उन पर शासन करने का, उनका शोषण करने का कार्य किया। तो ये मेथड्स इस्तेमाल किए गए हैं साम्राज्यवाद के अंतर्गत। इसके अलावा डोमिनियन के रूप में भी राज्यों को स्थापित किया गया है। जैसे भारत में आपको याद होगा कि जब भारत परतंत्र था तो 1918 में भारत ने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की कि हम अपना शासन खुद करेंगे, आप हमारे ऊपर बने ज़रूर रहें, ब्रिटिश क्वीन हमारी भी क्वीन होंगी, लेकिन हमें अपने देश पर शासन करने का अधिकार मिल जाएगा, हम ब्रिटेन की के डोमिनियन रहेंगे, उसके अधीन रहेंगे। तो डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई, और उसके बाद 1930 में जाकर फुल इंडिपेंडेंस की मांग की गई। तो डोमिनियन के रूप में भी राज्यों को बनाया जा सकता है। और फिर प्रभाव क्षेत्र, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की जब बात होती है तो जो सबसे पहला नाम याद आता है वो चीन का है। चीन अगर देखें तो 19वीं शताब्दी के अंत तक चीन बहुत कमज़ोर था, और यहाँ पर जो डायनेस्टीज शासन कर रही थी वो अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने चीन के कई भागों को दूसरे राज्यों को बेच दिया पैसा लेकर, और उन देशों ने जिसमें ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, इन देशों ने यहाँ पर अपने इन्फ्लुएंस जोन्स बनाने शुरू कर दिए, प्रभाव क्षेत्र बनाने शुरू कर दिए। और इनकी तो योजना ये भी थी, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन सब की योजना ये भी थी कि चीन के विभिन्न प्रदेशों को अपने साम्राज्य का ही अंग बना लें। लेकिन इस समय अमेरिका ने इस नीति का बहुत विरोध किया,
और उसका ये मानना था कि चीन को सभी देशों के लिए समान रूप से खुला छोड़ दिया जाए, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई जाए, यानी उस देश का शोषण सब मिलकर करें, सबको इन्फ्लुएंस जोन बनाने का वहाँ पर अधिकार मिल जाए। तो ये भी साम्राज्यवाद का एक नमूना था। इसी तरीके से क्लोज डोर पॉलिसी अपनाई जा सकती है कि किसी कमज़ोर देश को बंद कर दिया जाए बाकी देशों के लिए और किसी एक या दो देश के द्वारा ही वहाँ पर अपने इंटरेस्ट को सर्व किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो ये सब कई तरीके हैं जिनसे साम्राज्यवाद को विस्तारित होते हुए हम देख सकते हैं और उसके माध्यम से राज्यों ने, विशेष रूप से जो यूरोप के देश थे, उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ावा देने का काम किया, जिसमें हम मुख्य रूप से आर्थिक उद्देश्य को देखते हैं। इसके बाद अगला जो हम कर सकते हैं वो है नियो कोलोनियलिज्म या नव उपनिवेशवाद। यू कैन स्टॉप नाउ।